नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। बिहार विधान परिषद में 8 सीटों के चुनाव के लिए बनेगी मतदाता सूची। बिहार विधान परिषद में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े 8 सीटों पर चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। इन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का निर्माण 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा। बिहार में पानी पाने के लिए देने होंगे पैसे। बिहार में सभी शहरों के लोगों को अब पानी के लिए पैसे भुगतान करने होंगे। यह रकम उनके घर के क्षेत्रफल के आधार पर तैयार होगी। घरेलू उपभोक्ताओं से अब 30 से लेकर 125 रुपए तक की वसूली होगी। फल मंडी में तोड़फोड़, तेजस्वी बैठे धरने पर। अतिक्रमण पर रोक के लिए प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। फल मंडी में ऐसा होने की वजह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पटना में अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली, उनके पति को जबरन किया जा रहा है, परेशान। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को दिया यह जवाब। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया के द्वारा राहुल गांधी को कहा, उन्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाना चाहिए और बेचैन इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक करके आते, पर्सनल रिपोर्टिंग भी हो जाती, इनके रिश्ते इतने अच्छे जो हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने जारी किया सीईटी परीक्षा का शेड्यूल। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए सीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन 27 अगस्त 1 सितंबर तक होंगे। इसकी वेबसाइट biharceetinbed.com है। एनएच 106 और 107 कोसी इलाके की सड़क आज भी है जर्जर। सहरसा और मधेपुरा के आम लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एनएच 106 और 107 सड़क कोसी इलाके की है, जिसका शिलान्यास 2001 में हुआ था। वह सड़क आज भी जर्जर है। नेताओं की पैरवी से परेशान जिला शिक्षा पदाधिकारी। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ललित नारायण रजक ने कहा है, अगर कोई भी कर्मी नेताओं से पैरवी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 5 सितंबर को होगा शिक्षकों का धरना। नियोजित शिक्षक समान काम, वेतन और सेवा के शर्तों को लागू करने के लिए 5 सितंबर से पटना के गांधी मैदान में हड़ताल करेंगे। पूरे राज्य से 4 लाख शिक्षक काली पट्टी बांधकर धरना और प्रदर्शन करेंगे। वार्ड सदस्य हो सकते हैं बर्खास्त। हर घर नल जल और गली नली की पक्कीकरण योजना में जो वार्ड सदस्य सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। इस मुद्दे पर विधि विभाग ने सहमति दे दी है। कैबिनेट से सहमति की तैयारी चल रही है। महागठबंधन से स्वतंत्र बनेगा अब नया मोर्चा। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके घर पर घंटों बातचीत की। पप्पू यादव एक नया मोर्चा तैयार करना चाहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व जीतन राम मांझी करेंगे और यह महागठबंधन से स्वतंत्र होगा। जेल में किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई अनंत सिंह ने। अनंत सिंह आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में है। वे रक्तचाप की दवा ले रहे हैं और वायरल बुखार से ग्रस्त है। वे किसी से मिलना नहीं चाहते, एकांतवास में है। ट्रेनों के समय सारणी में बड़ा बदलाव। रूट रिले इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनों के समय सारणी में बड़ा बदलाव हो चुका है। रेल मंडल प्रशासन के अनुसार उनके क्षेत्र में ट्रेनें विलंब से पहुंचती हैं, इससे ट्रेनें पटना जंक्शन पर विलंब से आती हैं। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 27 अगस्त से 26 सितंबर तक आवेदन की यह प्रक्रिया चलेगी। उर्दू टीईटी पास अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। पटना में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के आवास का घेराव और सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा उर्दू टीईटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि 2013 में ही टीईटी पास हुए, मगर अब तक बहाली नहीं हुई। शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी के ज्ञान पर लगाया प्रश्न। शिवानंद तिवारी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी से कहा कि वे प्रज्ञा ठाकुर के स्कूल में पढ़े हैं, इसीलिए धारा 370 का विरोधी भीमराव अंबेडकर को बता रहे हैं। उनके अनुसार देश में कश्मीर को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। नियोजित शिक्षकों की इस पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
महागठबंधन की बैठक पर यह बोले सीपी ठाकुर। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की बैठक को लेकर सीपी ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, इस बैठक होने का कोई फायदा नहीं है, जनता इन्हें अस्वीकृत कर चुकी है और नरेंद्र मोदी से खुश है। गांवों में सौंदर्यीकरण जापानी तकनीक के माध्यम से होगा। नवादा जिले में अकबरपुर प्रखंड की पाती पंचायत के पिरोटा गांव में पर्यटन स्थल का निर्माण होगा। इससे गांव वालों को काफी लाभ होने वाला है। गांव का यह सौंदर्यीकरण जापानी तकनीक के माध्यम से किया जाने वाला है। जमुई में हुई युवा सांसद कार्यक्रम। जयप्रकाश नारायण भारत सरकार के पूर्व मंत्री और विजय प्रकाश जमुई के विधायक ने जमुई में जवाहर नवोदय विद्यालय में दीप प्रज्वलित करके युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया। महागठबंधन की बैठक के विषय में आ रहे हैं टिप्पणी। महागठबंधन की बैठक के विषय में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि महागठबंधन में किसी दल के बीच विश्वास नहीं रह गया है, ऐसे में इस बैठक का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हड़ताली मोड़ पर जाम खत्म, आयकर गोलंबर पर बढ़ी यातायात। नई ट्रैफिक व्यवस्था के कारण बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास जहां जाम लगभग समाप्त हो चुका है, वहीं गोलंबर पर वाहनों की भीड़ टूट पड़ी है। सवेरे के 10 से 11 और शाम में 5 से 7 बजे तक वाहनों का दबाव बढ़ चुका है। कटिहार में जिला स्तरीय खेलकूद का आयोजन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कटिहार जिला मुख्यालय में स्थित BMP 7 के खेल मैदान में किया गया। इस मौके पर विधायक तार किशोर ने कहा कि शारीरिक मानसिक आर्थिक समृद्धि के लिए खेलकूद आवश्यक है। सदानंद सिंह ने कहा, मजबूती से लड़े उपचुनाव। सदानंद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टी से कहा है कि बिहार में होने वाले सभी 5 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ें। वे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दूसरों का सहारा छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। औरंगाबाद, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा में गर्जना के साथ बारिश होगी। वहीं भागलपुर, पटना, पूर्णिया, छपरा और फारबिसगंज में हल्की बारिश की संभावना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।